भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता जो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और जैसा प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि इन तीन दिनों में तीन संभाग के मंडल अध्यक्ष, मंडल के महामंत्री और जिले के अध्यक्ष और महामंत्री, उस क्षेत्र के प्रभारी, ऐसे लोगों से डिटेल चर्चा करने के लिए मेरी शुरुआत है। मैं हमेशा चुनाव को जिस भी प्रदेश में जाता हूँ दो हिस्सों में बांटता हूँ, एक चुनावी पॉलिटिकल कार्य और दूसरा चुनावी टेक्निकल कार्य। तो अभी ये जो हमारी टीम संगठनात्मक बैठक होती है उसमें आगामी चुनाव को ध्यान में रख करके कार्यकर्ता को और वहाँ की टीम को, चाहे वो मंडल हो, चाहे वो समिति हो, चाहे पन्ना प्रमुख की ओर बढ़ेंगे हम, चाहे जिले की टीम, हर छोटी छोटी बात पे कैसे ध्यान रखना, चुनाव जीतने के लिए क्या क्या करना, और इसके साथ साथ बूथ सशक्तिकरण उसका भी प्लान उनके सामने रखना, थोड़ी रिपोर्ट लेना, यानी कुल मिलाकर के संगठन की अकाउंटेबिलिटी, नीचे काम करने वाले कार्यकर्ता की, उसकी जानकारी लेना और रेगुलर मॉनिटरिंग करना। कुछ लगभग 6-7 जिलों में जिला से भी बैठ के हुई है मेरी। जब भी प्रवास होता है तो कई तरह के कार्यक्रम बनते हैं जिसमें संगठनात्मक भी कार्यक्रम होते हैं और कुछ पॉलिटिकल कार्यक्रम भी होते हैं। इस समय तो मेरा आज बिलासपुर है, कल अंबिकापुर में रहूँगा मैं और परसों रायपुर, दोनों तरफ से खुलेंगे तो मेरी भी समझ में। इंतजार करिए, बहुत अच्छी तरह से निपटेंगे, आप थोड़ा इंतजार करिए। माधुर जी, गुजरात और यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी संख्या में चेहरे बदले गए, छत्तीसगढ़ किस तरह का फॉर्मूला? देखिए, कोई भी स्टेट की रणनीति दूसरे स्टेट में लागू नहीं होती, और अगर भारतीय जनता पार्टी का इतिहास पिछले 5-6 चुनाव का भी खंगोल है तो एक रूटीन में 30-40% चेहरे नए आते हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, लेजिस्लेटिव भी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, MPs में भी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो नए लोग हमारे आते हैं। लेकिन गुजरात का फॉर्मूला यहाँ लागू होगा या यहाँ का फॉर्मूला किसी यहाँ जगह लागू होगा ये नहीं है। जीता हूँ निश्चित रूप से ध्यान में रख करके हम टिकट देंगे। आप कुछ बोल रहे थे आगे बढ़ो। पिछली बीत ही बीता है, आगे कुछ सुन ले, आप मेरी तरफ देखो, आप आगे क्या होगा उसका इंतजार करो। आपको एजेंडा जी आपके सामने आएगा, निश्चित रहिए, वो कुछ भी बोले और क्या बोल रहे उसका असर क्या हो रहा है मैं उस विषय में नहीं जाऊँगा, लेकिन आप मान के चलिए कि हम निश्चित रूप से आगामी चुनाव में भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। नहीं कर, तो आपकी राय पूछो, ये मेरा विषय नहीं, वो हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी बोलेंगे भूपेश बघेल के बारे में। आदरणीय भूपेश बघेल जी का लगातार प्रवास छत्तीसगढ़ हो रहा है और अभी